हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश स्टडी फ्रॉम बुक मोमेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4, इन द किंगडम ऑफ फूल्स. यू नो इट इज सो इंटरेस्टिंग स्टोरी. द स्टोरी इज ट्रूली द किंगडम ऑफ फूल्स. ओके, दैट किंगडम मीन्स हैविंग लिविंग फूल फूलिश पर्सन्स फूलिश किंग एंड हिज you know ministers also. Okay, so let's start. Point wise strange rule means आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ उसमें कुछ अलग ही rules है रहने का. Okay, और बहुत ही interesting story है. Strange rule means the king and his minister both had planned that they will make a strange rule. Means they want to do something, means different. So they have convinced and decided, means we will treat as the day as night and night as the day. Means दिन को रात की तरह treat करेंगे और रात को दिन की तरह treat करेंगे. ऐसा king ने minister के साथ discuss किया और उसके बाद पूरी kingdom में means बता दिया, means allowance कर दिया कि लोग दिन में सोएंगे और शाम को उठ करके रात को दिन की तरह ट्रीट करेंगे. अपने खेतों की जुताई, अपने काम, दुकान, सब कुछ रात में चलेगा और दिन में पूरे किंगडम, पूरे साम्राज्य में सब लोग सोएंगे. ओके, इट इज द स्ट्रेंज रूल ऑफ दैट किंगडम एंड इट्स आल्सो बिकम स्टार्ट. पीपल्स स्टार्टेड टू स्लीप एट द डे टाइम एंड एट इवनिंग, लेट इवनिंग टाइम they suddenly woke up and opened their shops, opened their houses, lit their lights and start to make their food and all whatever human beings activities they started at evening and late night time. Okay, means it is become continued. Then one day a guru and his disciple, guru and his disciple came on that strange rule of kingdom. उस किंगडम में, उस साम्राज्य में एक गुरु अपने शिष्य के साथ आए. What we have seen, you know, it is strange rule running there because people's everyone is sleeping during daytime and everyone is spread silence. No one is doing anything else. Okay, सभी लोग सो रहे थे. पूरे दिन उन्होंने रुक करके वेट किया. शाम को अचानक दुकानें खुलने लगी, लोग उठने लगे. ओके, एंड बोथ स्ट्रेंजर वेंट फॉर बाइंग द थिंग्स फॉर ईटिंग. बेचारे दिन भर भूखे पड़े थे, शाम को जाकर के दुकान से खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी उन लोगों ने. एंड ही गॉट दैट द थिंग्स ही इज टेकिंग इन वेरी चीप रेट्स. ही हैव टेकन सम राइस एंड बनानास फॉर ईटिंग विथ वेरी लो प्राइस. ओके, बहुत ही कम दाम में उनको खाने को मिला. बहुत खुश हुए और इस तरह से उस स्ट्रेंज रूल के किंगडम में गुरु और डिसिपल खूब मन भर के खाए पिए और बहुत ही खुश हुए. नेक्स्ट डे यू नो व्हाट हैपेंड, गुरु बिकम यू नो वेरी सीरियस बिकॉज ही वाज फार साइटेड. दूर दृष्टा था वो. उसने जान लिया कि यहाँ पे कुछ ही घट सकता है बिकॉज द किंग इज स्टूपिड एंड हिज मिनिस्टर आल्सो वेरी फूल्स. दे कैन टेक एनी डिसीजन एनी टाइम अगेंस्ट एनी वन. सो गुरु बिकम सीरियस बट डिसिपल बिकम वेरी हैप्पी. ही वॉन्ट टू स्टे दैट प्लेस फॉर एवर. ओके, बिकॉज ही वॉज टेकिंग थिंग्स वेरी चीप रेट्स. ही मीन्स ऑल द थिंग्स अवेलेबल देयर इन मार्केट एज बनाना, राइस, घी, स्वीट्स. सो ही वॉज वेरी यू नो यू कैन से फॉन्ड ऑफ ईटिंग. सो ही वॉन्ट टू डिसाइड स्टे दैट प्लेस. ओके, इन दिस वे गुरु डिसाइडेड टू लीव डिसिपल ऑन दैट प्लेस एंड गुरु वेंट फ्रॉम देयर. डिसिपल वॉज ईटिंग मच मोर एंड बिकम फैट एंड ही वॉज एंजॉइंग दैट प्लेस. वन डे वॉट हैपेंड, यू नो, थीफ किड अंडर रिच मर्चेंट्स वॉल. ए थीफ वेंट फॉर रॉबरी, फॉर थीवरी and on that time means when he was escaping himself, he was means
being fell down under a wall. Whatever wall fall down on him, and that thief was means being died on a spot on that place. वहीं पर वो चोरी करने गया था और दीवार गिर जाने के कारण से वहीं पर वो दब करके मर गए. What happened next day? You know, merchant's charge puts blame on mason. Means क्योंकि वो merchant का brother था, तो merchant के brother ने क्या किया? उसने claim किया कि मेरा भाई जो है उनके मीन्स दीवार पे दीवार गिरने की वजह से मर गया. उन्होंने चार्ज किया, केस कर दिया. देन नेक्स्ट डे इन कोर्ट व्हेन किंग आल्सो प्रेजेंट देयर देन ही हैड कॉल्ड मीन्स द मर्चेंट प्रेजेंट देयर मर्चेंट पुट द ब्लेम ऑन मैसन. मर्चेंट ने कहा ये दीवार तो मैंने बनाई नहीं थी, कमज़ोर थी दीवार, इसको उस मैसन ने बनाया था जो दीवार बनाता है. तो फिर मैसन आता है कोर्ट में, बुलाया जाता है. नेक्स्ट डे मैसन केम देयर एंड ही आल्सो केम विथ एक्सक्यूज मीन्स इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट बिकॉज ऑन दैट डे ए डांसिंग गर्ल वॉज अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स देयर एंड सी हैड अट्रैक्टेड हिज अट्रैक्शन मीन्स हिज अटेंशन नॉट ऑन द वर्क ऑन दैट डे सो वॉल बिकम वीक. ओके देन दैट डांसिंग गर्ल means called by the king in court, dancing girl present there and she have already also excuse. She had told that it is not her fault. उसने बताया मेरी गलती नहीं है. हाँ मैं मानती हूँ उस दिन मैं कई बार नाचती हुई आई गई उस गली में, मैंने attention break किया, लेकिन उसका भी एक reason था. Dancing girl had put that blame on the goldsmith. उसने सुनार के ऊपर, गोल्ड स्मिथ के ऊपर ब्लेम लगाया. उसने कहा मुझे गोल्ड स्मिथ के यहाँ से ऑर्नामेंट लेने थे, इसलिए मैं नाचती हुई वहाँ पे जा रही थी. देन यू नो डांसिंग गर्ल बिकम फ्री एंड गोल्ड स्मिथ कॉल्ड देयर बाय द किंग एंड ही प्रेजेंटेड इन कोर्ट विथ एक्सक्यूज ऑलरेडी विथ एक्सक्यूज गोल्ड स्मिथ प्रेजेंट देयर देन ही हैड सेड यस means dancing girl was coming there but means it is not his fault because whatever ornament he have that is ordered ornament. उसने कहा जो मेरे पास ornament थे, आभूषण ज्वेलरी थी, वो मैंने order भी बनाए थे और merchant ने मुझे order दिया था, वो wait नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे समय पे ornament उसको देने थे, इसलिए मैंने उस लड़की को वो ornament नहीं दिए. Then goldsmith also become innocent and next time then merchant also called and that was same merchant on his house that thief become died. Then merchant came in court and he have already excused. He had said yes it is means ordered given by my father not by me. उसने अपना जो ब्लेम था वो अपने फादर पे डाल दिया. And his father was criminal, you know, culprit. The main culprit of his father, not he is. Because that order of goldsmith given by his father and his father was not alive. He was dead. Okay? Then king and minister both discussed each other. And they have given their final decision that the all inheritance, the all property of his father taken by his son. So son is the means criminal. Son is also the guilty of that crime. Means पिता की सारी संपत्ति पर अधिकार पुत्र का है, तो पिता की गलतियों का अधिकार, पिता के जो भी पश्चाताप है उसका अपराध का दंड भी किसको मिलना चाहिए? पुत्र को. ओके दैट टाइम दे हैव मीन्स गिवन दियर दैट सेंटेंस ऑफ डेथ टू दैट मर्चेंट. And when means ministers have taken that merchant on that stack, that time that stack was very you know big stack they have hanged. Means जो फांसी का फंदा था बहुत बड़ा निकला और वो merchant बहुत ही पतला था. ठीक है. Then king and minister decided that means crime become held so one person's must should be means they are punished. So they means
they have ordered that to their ministers, go and find out any fat person for the punishment. Then their ministers went there, and they have also two that dispel, who was become much more fat by eating those cheap rates things. Okay, खा पी करके बहुत मोटा हो गया था वो डिसिपल जो था, उसको पकड़ के मिनिस्टर्स लाते हैं उस फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए. ओके, एंड डिसिपल क्राइड वेरी यू नो लाउडली, ही स्टार्टेड वीपिंग, ही हैड नॉट डन एनी मिस्टेक, ही वॉज इनोसेंट, वाई दे वर कैरेड ही. एंड वन थिंग, वन यू नो ऑल्सो थिंग, रिमेंबर वॉट एवर वर्डिंग्स ऑफ हिज गुरु, this placement is not safe, it is unsafe placement, means anything may be happen any time, but dispel have not care on that time. So he remembered whatever things, whatever you know by saying by his guru, and he was remembering his guru, and his guru in concentration, he have seen that his dispel is in danger, his life in danger, and he came there for means safety of his disciple. अपने शिष्य को छुड़ाने के लिए गुरु आता है. ओके, एंड वॉट एवर गुरु हैव डन आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, गुरु डिसाइडेड टू लीव दियर डिस्पल, टू फ्री दियर डिस्पल फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, एंड ही केम देयर, एंड सडनली बोथ गुरु एंड डिस्पल मीन्स बोथ वेयर स्टार्टेड टू टॉकिंग वेरी slowly, very low motion, and then they have discussed, and they also means being cried, I will go to step first, guru had said. Then disciple had said, no, I will go there because it's my right to go first on the step. Then king have listened this discussion by the guru and disciple. Then he had asked to guru then, what is mystery of going first on the step? Then guru had told him that it is very holy stag, because no one is criminal here. Who will be hanged by that stag? Who will reach the heaven? And again, he will take rebirth and become king of this country. Who will go first will be king of this country, and who will go second will be minister. Okay, then king listened this incident, and he had discussed with his, you know, minister. राजा ने ये बात सुनी कि जो पहले इस फांसी के फंदे पे चढ़ेगा वो राजा बनेगा नए जन्म में, पुनर्जन्म में, और जो दूसरी बार चढ़ेगा फांसी पे वो मंत्री बनेगा. तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सलाह किया. इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, यू नो किंग एंड मिनिस्टर फ्रीड गुरु एंड दिया डिस्पेल. किंग और मिनिस्टर ने गुरु और उनके शिष्य को छोड़ दिया और उनके प्लेस पर खुद दोनों बन गए. यू नो मीन्स किंग एंड मिनिस्टर बोथ हैव टेकन द प्लेस ऑफ गुरु एंड डिस्पेल. ओके, मीन्स गुरु और उसके शिष्य का स्थान राजा और मंत्री ने ले लिया. देन नेक्स्ट डे व्हेन यू नो मीन्स एक्सक्यूटर्स एंड द मिनिस्टर्स another persons have came for the hanging, they had hanged the king and minister. Okay, in this way both become dying, king and minister. Okay, then next day overall peoples gathered there, they have seen that the place of guru and disciple, they both were hanged, their king and minister, because they both were stupid, foolish person. So guru and disciple had explained in front of the kingdom persons. उन लोगों ने उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी यू नो स्पीच रखी, उनको समझाया कि ये मूर्खों का राज्य था, यहाँ पे जो राजा थे और मंत्री थे दोनों मूर्ख थे, जो भी मनमानी करते थे, तो इसलिए उन दोनों की मृत्यु हो गई, अच्छा हुआ. Then people have kneeled to their ruling emperor and king and minister. So the people of that kingdom have selected the guru as the king and the disciple as the minister, and they also ruled there happily on that kingdom. So students,
It is the moral of this story that means in the stupid and foolish kingdom, we should not stay a minute there because that place was unsafe and any mishappening can take place anytime. So we should have to alert and we should always think about these things. Then take action. Okay?